गुलबर्गा कांग्रेस लीडर मोहम्मद जायद एक्स मेयर ने जेवरगी एमएलए अजय सिंह के बॉयकॉट को सपोर्ट का ऐलान किया है। जेवरगी तालुका के तमाम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, मुस्लिम लीडर, सोशल एक्टिविस्ट कांग्रेस एमएलए अजय सिंह का बॉयकॉट कर रहे हैं। दो दिन पहले जेवरगी के तमाम मुस्लिम कायदीन और सोशल एक्टिविस्ट जमा होकर बॉयकॉट अजय सिंह के नारे लगाते हुए कहा। अजय सिंह खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं, पर धर्म सिंह कल्याण मंडप के इनोग्रेशन में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले फिरका परस्त आंदोला स्वामी को चीफ गेस्ट बनाकर इन्वाइट किया गया है। गुलबर्गा कांग्रेस लीडर मोहम्मद जायद अक्समेर ने एमएलए अजय सिंह के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर कहा, धर्म सिंह अपनी पूरी जिंदगी में मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात रख मुसलमानों को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह को जेवरगी के मुसलमान वोट देकर दूसरी बार एमएलए बनाए हैं, पर अजय सिंह मुसलमानों के दुश्मन आंदोला स्वामी को चीफ गेस्ट बनाकर मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। जाहिद अक्समेर ने कहा, आंदोला स्वामी जेवरगी तालुका का रहने वाला है और हमेशा अजान हलाल कट झटका कट मस्जिद मंदिर के नाम पर जहर उगल कर मुसलमानों को तकलीफ देता है और मुसलमानों के वोट लेकर एमएलए बने अजय सिंह इस आंदोला स्वामी के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उल्टा इस आंदोला स्वामी को चीफ गेस्ट बनाकर फंक्शन में इन्वाइट कर रहे हैं। जाहिद अक्समेर ने कहा, अजय सिंह का बॉयकॉट तो होगा ही और साथ ही कांग्रेस सेकुलर लीडर और मुस्लिम कायदीन एमएलए एमएलसी को चाहिए कि वो अजय सिंह के प्रोग्राम में जाने से परहेज करें। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्थ कर्नाटका मोस्ट अवेटेड विंटेज रिट्रीट रिसोर्ट इज नाउ ओपन एट बिदर। विलास एंड कॉटेजेस, स्विमिंग पूल एंड कॉकटेल लॉन्च, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, बोट डाइनिंग, सनसेट व्यू पॉइंट, वेरियस सेल्फी पॉइंट्स एंड मच मोर। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल जेवरगी के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है धर्म सिंह फाउंडेशन के नाम से, और उसके कर्ता धर्ता उनके बेटे अजय सिंह एमएलए जेवरगी और उनके ख़ानदान के अफराद। वैसे तो धर्म सिंह साहब के ख़ानदान का रابطہ हमेशा मुसलमानों के साथ बड़ा खलूस और हमदर्दी रही है। आज अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है मुझे कि उन्हीं के एक सुपुत्र जो जेवरगी के एमएलए हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने एक ऐसे मुतनाज़ा शख्स को जो वहाँ के आंदोलन के स्वामी हैं, जो कर्नाटक के अंदर बदनाम शुदा वो शख्स है जिसने हिजाब के बारे में आनंद की दरगाह लाडे मशाक अंसारी रहमतुल्लाही के बारे में वहाँ तक उन्होंने मार्च किया और दरगाह के अंदर नापाक अजायम के साथ घुसने की कोशिश की, जिससे गवर्नमेंट और पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक कांग्रेस के एमएलए अभी 20 साल पहले या 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अभी वो वाक़या हम भूले नहीं जो बाबरी मस्जिद का वाक़या है। आज के नौजवान नस्ल को भी कुछ कुछ याद है और हमारे जैसे उम्र वालों को अच्छी तरह से हम वाकिफ़ हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो चीज़ों को अभी हम भूल नहीं चुके, मगर कांग्रेस के एक एमएलए जो धर्म सिंह साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनके फर्जंद ने ये जो हरकत कर रहे हैं उससे मुसलमानों को, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को तकलीफ दे हरकत कर रहे हैं। क्या इनके अजायम, क्या इनका मंशा बीजेपी में जाने का है? अगर जाना है तो सीधा बीजेपी में जा सकते हैं, मगर कांग्रेस को बदनाम करके नहीं जाना। अगर कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, उस सेकुलर का नाता जो है तमाम मजहब के लोगों को लेके चलने का है, तो उसमें जो कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक के अंदर एक बदनाम शुदा शख्स है, वैसे एक शख्स को आपने चीफ गेस्ट रखा है, तो ये बहुत बदबख्ती की बात है मुसलमानों के लिए। मैं जेवरगी के मुस्लिम भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपने जो इकदाम उठाया है वो वाकई काबिल मुबारकबाद है। आपने ही गुलबर्गे के भी मुसलमान
हम आपके साथ हैं और मैं मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो कांग्रेस में जिंदा दिल मुसलमान हैं उनको भी मेरे जैसी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी जब पार्टी को बदनाम करने का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है पूरे हैदराबाद कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में इसका असर होगा कि धर्म सिंह साहब एक सेकुलर शख्स थे, उनके एक फर्जन जो दूसरी बार MLA बन रहे हैं तो उनका यह एग्ज़ाम काबिल मजम्मत है। मैं और एक बार इस बारे में गुजारिश करता हूँ कि ऐसे चीज़ों की पुरजोर मुखालिफत की जाए, पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, हर मुसलमान का फ़र्ज है, हर मुसलमान का काम है कि ऐसे चीज़ों की मजम्मत किया जाए, वरना ये चीज़ें इतने आसान नहीं हैं, इतनी छोटी नहीं हैं। अगर हम खामोश बैठेंगे तो हमारा हाल ज़रखेज़ ग़ुलाम बनने के काबिल रह जाएंगे। हम पार्टी के ज़रूर हैं मगर ग़ुलाम नहीं हैं, और हमारे ईमान को बस वो है नहीं, कभी भी कमज़ोरी ईमान की कमज़ोरी नहीं है हमारी, ये हम खामोश बैठने के लिए। दोस्तों मेरे आपसे तमाम मुस्लिम भाइयों से, पार्टी में रहने वाले मुसलमान भाइयों से, हर एक से मेरी गुजारिश है कि ऐसे चीज़ों की मजम्मत करना चाहिए या ऐसे वाक़ियात की मजम्मत करना चाहिए, ताकि बोलते सो आने वाले जो भी इकदाम उठाएंगे, जो MLA हो MLC हो, अगर कोई ऐसा इकदाम उठाता है तो उसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाए। और मैं कांग्रेस के सदर से भी दरख्वास्त करता हूँ, कर्नाटक के सदर से भी, और हिंदुस्तान के कांग्रेस के सदर जो हमारे मुकामी गुलबर्गे के हैं उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि ऐसे MLA जो मुतनाज़ा शख्सों के साथ रब्त रखते हैं, कम्युनल लोगों के साथ रब्त रखते हैं और कम्युनल लोगों के साथ कांग्रेस का नाम बदनाम करते हैं, वैसे लोगों से सीरियस एक्शन लिया जाए। और मैं इतना कहते हुए और एक बात स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस है, जो भी अगर कांग्रेस का MLA किसी भी कम्युनिटी का हो ऐसे चीज़ों में मुलविस है तो उनसे पार्टी परहेज करना चाहिए और सोच समझ कर ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए।